अरे बाबा, मेरे आजू बाजू में कोई गे तो नहीं है? कोई गुड़वा तो नहीं है? मेरे को हाथ लगाने से तो मैं गे तो नहीं बन जाऊंगा? अरे वो तो होमो है, आदमी के साथ जाके सेक्स करता है। अरे वो लेस्बियन है, औरत के साथ जाके सेक्स करती है। हेलो गाइस, माय नेम इज माइक, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज वाइनी। तो आपने सही सुना, आज हम बात करने जा रहे हैं गेज, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर और जितने भी जेंडर है वो सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार वो है ना गे है, कैसा है ना हाथ लगाएगा ना मैं गे बन जाऊंगा, अरे वो एक आदमी के साथ जाके सेक्स करता है, उसको नाम भी दे देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे वो गुड़ है, वो गुड़बा है, कोई लड़की है जो लेस्बियन है वो खाली लड़की के साथ जाके सेक्स करती है, तो उसे बोलती है कैसी लड़की है, इसका नीचे लिंग नहीं है, ये मर्द बनना चाहती है क्या, ऐसे गंदे गंदे शब्द यूज़ करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें उनको बोली जाती है जो उनको एक डिप्रेशन के ओर लेके चले जाते हैं। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, वो गे है, गुड़ है, गुड़बा है, लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर है, अरे यार जो भी है, हिजड़ा है, वो उसके लिए बना है ना, या फिर वो पहले से है? यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट है, लोग बोलते हैं कि वो गे खुद से बनते हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि वो जन्म से गे है। ये बात छोड़ दो, चलो एक बात पकड़ लेते, वो बना है, गे बना है, ठीक है, वो तो अपने लिए बना है ना भाई, गे तुम्हारे लिए थोड़ी बना है, वो खुद जाके दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर रहा है ना, तुम्हारे साथ तो सेक्स नहीं कर रहा है, तो फिर तुमको इस पे क्या खराबी लगता है, तुमको इस पे क्या प्रॉब्लम होता है? नहीं भाई, हमारा सोसाइटी खराब हो जाएगा। सोसाइटी के बारे में हम बात करते हैं, एक बच्चे का कहानी बताता हूँ मैं, ठीक है। एक बच्चा था, असली कहानी है, मेरे सामने ही हुआ है, मैं देखा हूँ ये कहानी। वो बहुत स्मार्ट लड़का था यार, पढ़ाई विड़ाई में बहुत आगे था। जैसे बड़ा होते जाते हैं ना बच्चे लोग, उसको खुद को फीलिंग आने लगता है कि नहीं यार मैं दूसरों से थोड़ा अलग हूँ, तो उसको फीलिंग आने लग गया। वो थोड़ा फेमिनिन था, फेमिनिन इन द सेंस थोड़ा गर्लिश जैसा था वो, एंड इट्स टोटली फाइन, योर जेंडर, योर सेक्शुअल प्रेफरेंस, इट्स टोटली अप टू यू, एवरी वन हैव राइट्स टू डू एवरीथिंग। तो वो जैसा बड़ा होते गया ना, तो उसके घर में से किसने नोटिस कर लिया, अरे ये तो है, गे है। तो वो आदमी ने इसको पकड़ के बहला फुसला के इसके साथ हर दिन वो सेक्स करने लगा। वो सेक्स इतना एक्सटेंड तक हो गया कि वो उसका रेप करने लगा। एक दिन उसको बहुत दर्द हो रहा था, उसको ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसने उसकी माँ को जाके बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। उसका माँ उसको सपोर्ट करने के बदले, उसका माँ ने जिसने उसके साथ किया उसको ही जाके बोल दिया, भाई देखो जितना करना है ना तू कर ले, अच्छे से कर ले, मेरा बेटा को तू मर्द बना। वो बच्चा इतना डिप्रेशन में आ गया, उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं, हर दिन उसके साथ सब कुछ हो रहा है, सेक्स हो रहा है, रेप हो रहा है, टेंशन में आ रहा है, पढ़ाई भी करना है। वो बच्चा के दिमाग में इतने सारे चीज़ भर गए, भाई मेरे साथ एक साथ इतना सारा चीज़ हो रहा है, जाके बच्चे ने अपने आप को मार डाला। अरे भाई अभी मेरे को एक बात बताओ, वो जो आदमी सेक्स कर रहा था वो तो हेटरोसेक्सुअल था ना, मतलब वो स्ट्रेट था ना, तो वो गे के साथ सेक्स क्यों किया? इसका मतलब वो जो स्ट्रेट आदमी है वो भी गे है। और सोसाइटी के बारे में बात करते हो, काई का घंटा हिजड़े वाला सोसाइटी है बाहर, ये सोसाइटी है जहाँ पर आपके बच्ची के साथ एक स्ट्रेट आदमी रेप करता है, ये सोसाइटी है जहाँ पर एक ससुर अपनी घर पर उसकी ही बहू के साथ रेप या सेक्स करता है, ये सोसाइटी है जहाँ पर बस स्टॉप के बाजू में जो शौचालय होता है ना उसके अंदर एक औरत का रेप होता है, ये सोसाइटी है। ये हिजड़े वाले लोग का सोसाइटी के बारे में तुम सोचते हो? नहीं, हमारे सोसाइटी में नाम खराब होगा, काय का नाम खराब होगा, ये हेटरोसेक्सुअल लोग ही खराब है, बहुत बेकार, ये हेटरोसेक्सुअल लोग ही बहुत सारे गे लोग का रेप किए हुए हैं और अपने आप को मर्द बोलते हैं लोग। भाई तुम लोग कोई मर्द नहीं हो, तुम भी एक तरह के गे ही हो, बेकार और वाहियात इंसान हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप गे हो, लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर हो, या फिर कौन से भी जेंडर हो, इट्स योर राइट टू लिव, इट्स योर राइट टू सेलेक्ट योर पार्टनर, वो आपका प्रेफरेंस है। अगर कोई आपको रोक रहा है तो आप उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइएगा, ये सब फालतू के लोग के बारे में मत सुनिएगा, आप फाइट कीजिएगा और आप आगे बढ़िएगा, एडुकेटेड होइएगा, क्योंकि एडुकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, अनएडुकेटेड होके ये सब काम हो नहीं सकता है। पहला बात, एडुकेटेड होइएगा। अगर कोई माता पिता, अगर आपका बच्चा गे है, लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है, तो उसे सही मायने में आप समझिएगा कि वो ऐसा क्यों है, ये मत उसे मारिएगा नहीं, उसको टॉर्चर मत करिएगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना ही आप औरत से आप आदमी बन सकती हो, ना ही आपका जो पति है वो पत्नी बन सकती है, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझिएगा वो ऐसा क्यों है, किस लिए वो ऐसा, मतलब उसे साइकोलॉजी समझिएगा, इस पर कोई खराबी नहीं है, एवरी वन हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस, ओके। और सोसाइटी सोसाइटी भाई, सोसाइटी को घुमाओ, अपने पिछवाड़े में अच्छे से डाल देना, ठीक है, काय का घंटा सोसाइटी है, इसके लोग डुक्करों के बीच में रहना छोड़ दो, ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे बातें मुंह से निकलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है कीजिए, नहीं करना है तो भी आई डोंट केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।